तक किसी साथ क्या कह रहे हो, न्याय नहीं मिलता है, पकड़ाया नहीं, पकड़ाता नहीं है, फांसी नहीं होती, तब तक हम लोग रोड पे रहेंगे। नमस्कार, मैं उत्कर्ष, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज। आपको बता दें कि जो बिहार में इलेक्शन है उसकी कवायतें काफी तेज हो गई हैं। इसी बीच आपको बताएं कि बिहार के पटना जो है राजधानी, वहां के बोरिंग रोड चौराहे पे सुशांत सिंह राजपूत को लेके काफी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये जितने भी प्रोटेस्टर हैं वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से जितने भी सीबीआई जांच है उनके मांग को लेके साफ इनका यह कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत को कोई भी अभी तक क्लीन चिट नहीं मिली। सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग एडिक्ट घोषित कर दिया गया और उनका जो डेथ है, डेथ को लेके कोई भी खुलासा नहीं हुआ। वीडियो के माध्यम से देखें कि वहां पे लोग क्या कहना चाह रहे हैं। बिहार की धरती पे आंदोलन सैकड़ों सालों से शुरू होता रहा है और सबसे बड़ा आंदोलन पूरे दुनिया भर में सत्याग्रह आंदोलन जेपी जी का हुआ, गांधी जी का आंदोलन यही से शुरू हुआ है। हम लोग बताना चाहते हैं उद्धव सरकार को और पूरे देश की जनता एकजुट है और हम लोग बता दे रहे हैं उद्धव सरकार को कि सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं किया जा सकता है। इसके खिलाफ में हम लोगों ने अभियान उठाया है और अभी जब तक कि सुशांत के हत्यारे को न्याय नहीं मिलता है, पकड़ाता नहीं है, फांसी नहीं होती, तब तक हम लोग रोड पे रहेंगे और पूरी जनता एकजुट है सोशल मीडिया पे भी और रोड पे भी। यहाँ पे जहाँ आप देखते हैं, देखिए राइट में दिन से 4 महीने हो गए हैं और अभी तक ये लड़ाई जारी है, चल रही है, लोग चिल्ला रहे हैं, किसी की आवाज़ नहीं सुनी जा रही, सीबीआई अपना काम कर रही है, बट हम पेशेंस रख रहे हैं कि सीबीआई हमें सुशांत के फेवर में रिपोर्ट देगी, वो भी नहीं हो रहा है, रिपोर्ट भी नहीं आई अभी तक और कुछ फेक रिपोर्ट भी कुछ न्यूज चैनल वाले फेक रिपोर्ट ला के हमें दिखा रहे हैं। सबको डीमोटिवेट करने की कोशिश की गई है बट हम इसी तरह मोटिवेटेड रहेंगे और इसी तरह ये लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। ये लड़ाई जारी रहेगी, चलती रहेगी, तो सुशांत सिंह को जल्दी से न्याय दो। लोग चाहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिले, उनके दोषियों को सजा मिले। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें नेशन न्यूज़। धन्यवाद।